विद्यार्थियों, बीएड द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए ये वीडियो लेकर आया हूं। हिंदी साहित्य जिन विद्यार्थियों के पास हिंदी साहित्य है विशेष विषय के रूप में, तो हिंदी साहित्य में प्रथम अध्याय है आचार्य केशवदास द्वारा लिखा, केशवदास द्वारा लिखी रामचंद्रिका का कुछ अंश उसमें दिया हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, रामचंद्रिका जो हमारे पाठ्यक्रम में दिया हुआ है, रामचंद्रिका की जो कुछ संवाद है, जैसे परशुराम संवाद से शुरू होता है, तो उससे पहले रामचंद्रिका में उससे पहले केशवदास जी ने सरस्वती वंदना उसमें दी हुई है, उसको पढ़ना है हमें। फिर राम वंदना, ये उनके आराध्य इष्ट है ना, इसलिए पहले हम वंदनाओं को पढ़ेंगे, फिर उसका जो मूल पाठ है उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसको पढ़ने से पहले हम केशवदास के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, केशवदास क्या है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, केशवदास का जन्म 1618 संवत में हुआ था, 1618 संवत में इनका जन्म हुआ, और 1680 में इनका देहावसान हो गया केशवदास, ठीक है ना। रीति काल के प्रवर्तक आचार्यों में केशव का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, और हिंदी के आचार्यों में केशव दास का स्थान बहुत ऊंचा है, क्योंकि ये आचार्य भी हैं और महाकवि भी इनको माना जाता है, महाकवि का रूप भी इनको दिया जाता है, कहा जाता है इनके जो केशवदास के जो वंशज हैं वो राजस्थान में जो दीप उमेर है वहां इनके वंशज थे, वहां से ये पलायन हुए हैं। और केशव के पूर्वज गोपाल में राजा सहित रहे थे, उनके पूर्वजों के राजा रुद्र प्रताप और कोचा नरेश ने उनको आश्रय दिया था, है ना। ये कहा जाता है केशवदास का जन्म भारद्वाज गोत्र सम्राट के विप्र वंश में हुआ था, ये भारद्वाज गोत्र के थे, है ना, तो ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में ओरछा वासी विप्र कुल में इनका जन्म हुआ, ओरछा में इनका जन्म हुआ, और आज भी अगर व्यासपुर मोहल्ले में जाकर देखें तो इनके जो भगनाम शेष हैं, इनके घर के भगनाम शेष आप भी देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। इनके पिता काशीनाथ थे जिनका केशव पर अगाध प्रेम था, है ना, केशव से बहुत प्रेम करते थे इनके पिता काशीनाथ जी। और उसके बाद केशवदास के कुल में जितनी भी नारियां होती थी वो बड़े विदुषी होती थी ऐसा माना जाता है। कवि आचार्य केशवदास को महाराज राम साय के छोटे भाई इंद्रजीत सिंह से राजा से प्राप्त हुआ, इंद्रजीत सिंह के राजदरबार में ये रहते थे, इंद्रजीत सिंह के आश्रम यानी राजा से दरबारी कवि थे, ठीक है ना, केशवदास जी का ध्यान रखना है। और अकबर और इंद्रजीत के बीच में जो कलह बढ़ गई थी, दुश्मनी बढ़ गई थी, उसको दूर करने का श्रेय केशवदास को ही जाता है, इसलिए केशवदास का जो दरबार में जो मान सम्मान है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और केशवदास की किसी भी बात को कोई भी दरबारी काट नहीं सकता था, इतना ऊंचा स्थान था उनका। उसके बाद इंद्रजीत सिंह के बाद राजा वीर सिंह ने ओरछा के नरेश बने, फिर उनके काल में केशवदास का बहुत सम्मान हुआ। और इन राजा के अतिरिक्त रामसा रतन सेन अमर सिंह और चंद्र सेन ने भी केशवदास को सम्मान दिया, यानी ये विभिन्न राजाओं के आश्रय में रहे, दरबार में रहे। जहां तक काल के सैद्धांतिक पक्ष का संबंध है, ये अलंकारवादी कवि थे, जहां तक
अलंकार वादी कवि, अलंकार वादी कवि, ये अलंकार वादी कवि कौन केशव, ठीक है ना। इन्होंने अलंकारों की बहुत उच्च कोटि की व्याख्या की, इसलिए आचार्य कहे जाते हैं जो लक्ष्मी बोलते हैं रचना की थी, अलंकारवादी थे। उसके बाद इन्होंने भामे तंगी तथा उद्भट आदि अलंकार संप्रदाय के प्रधान जो प्रतिपादक हुए हैं उनकी परंपरा का ही अनुसरण किया, जिस प्रकार संस्कृत के आचार्य भामे उद्भट है ना रुद्रक ये जो है दंडी है, इन जो संस्कृत आचार्य थे इनका ही अनुसरण इन्होंने किया, इसलिए ये आचार्य श्रेणी में आ गए है ना। और इनके जो लेखन का जो इनके जो काव्य संग्रह का जो आधार रहा है वो काव्यादर्श दंडी का काव्यादर्श रहा है, अलंकार शिखर रहा है, काव्य का प्रताप वृत्ति रहा है ना। इन संस्कृत ग्रंथों का आधार पर इन्होंने अपने आगामी काव्य रचनाएं की थी इन्होंने लिखा, और चमत्कार प्रदर्शन की भावना उनमें सर्वोपरि थी। जी उनका जो पांडित्य था वो वास्तव में देखने लायक था, वो चाहते थे वो लेखन में अपने पांडित्य को प्रदर्शित करना चाहते थे, चमत्कार भाव उनके लेखन में देखने को मिलता है। तो कहीं कहीं उनकी भाषा इतनी क्लिष्ट बन गई है कि वो अलंकारों के बोझ से दबी हुई सी लगती है ना। तो भूषण या अलंकार इन वक्ता को सुंदर नहीं समझते थे, वो कहते थे कि बिना अलंकार के कोई भी कविता सुंदर नहीं कह जा सकती, उसमें चमत्कार जब तक उत्पन्न नहीं होगा वो काव्य की दृष्टि काव्य श्रेणी में नहीं आ सकती। अलंकार के बड़े पक्ष धरते और उनके रचनाओं में श्लेष यमक आदि अलंकारों का बहुलता मिलती है। उनका जो उक्ति वैचित्र है वो भी प्रधान है, उनकी जो कहने की जो कला है संवाद है वो भी श्रेष्ठ है। कहा जाता है कि संवाद की दृष्टि से तुलसीदास के संवाद को देखा जाए और केशवदास के संवाद में तुलना की जाए तो उनकी जो संवाद की जो प्रक्रिया है, संवाद की जो शैली है वो केशवदास से ज्यादा पुष्ट और उच्च श्रेणी की मिलती है। प्यारे विद्यार्थियों, फिर इन्होंने कई सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हाँ देखिए, सैद्धांतिक विषय प्रतिपादन में विषमकला और अमौलिक है, इनका काल चेतन रागात्मक और तारतम्य है, ये गंभीर सिद्धांत की विवेचना करते हैं। केशवदास का उद्देश्य नहीं तो ज्यादा रस संचारित था, नहीं गंभीर सिद्धांत का था, उनका लक्ष्य ब्रज भाषा में अपने संस्कृत ज्ञान का उद्घाटन करना था, ठीक है ना। उनकी मुक्ता और कुपन दोनों प्रकार की कृतियां मिलती है ना, रसिक प्रिया कवि प्रिया और रामचंद्र का है ना, रसिक प्रिया कवि प्रिया रामचंद्र का, इनकी प्रमुख कृतियां मानी जाती है, हाँ जो इनकी ख्याति का आधार है। इनके अतिरिक्त रतन बाम भी है, विज्ञान गीता है और जहांगीर जस्ट चंद्रिका है, वीर सिंह देव चरित है जो राजा वीर सिंह के आश्रय में लिखी थी है ना, ये ग्रंथ भी इनके मिलते हैं और एक लक्षिक ग्रंथ भी इनका मिलता है। तो कहने का मतलब है कि रीति के साथ साथ वीरता भी करपाटी भी इन्होंने अपनाई थी, और विज्ञान के संस्कृत ग्रंथ प्रबोध चंद्र देखता रही उपदेशात्मक और पौराणिक ढंग की रचना है विज्ञान गीता, ठीक है ना। केशवदास ने अपने स्वयं राम को अपने इष्ट देव बताया है, फिर भी भक्ति के आवेग पूर्ण आत्मसमर्पण के दर्शन उनके रामचंद्र का में नहीं होते, भक्ति की इतनी उच्च कोटि जो व्याख्या हो रही है जैसे तुलसीदास के समान ऐसी व्याख्या उनके रामचंद्र का में देखने को नहीं मिलती,
वैसे भी काम को अपने इष्ट देव मानते हैं। ब्रजभाषा का अपने सबसे सबसे बड़े देव माने जाते हैं ईसाई है ना। तो इस प्रकार प्रारंभिक दार्शनिकों ने कई ग्रंथों की रचना की और वो बहुत महान कहे जाते हैं। यानी कठिन काव्य का प्रेत यह शब्दार्थ में कहा जाता है कि इनमें जो काव्य को बड़ा ही कठिन है, सरल भाषा में है ना, शब्द क्लिष्ट है, संस्कृत क्लिष्ट है और आलंकारिक और लक्षण ग्रंथों पर आधारित काव्य के शास्त्रीय लक्षणों पर आधारित है, इसलिए इनके लिखे हुए ग्रंथों का सरलता से भावार्थ कर पाना कठिन है, दुष्कर है। तो यानी कठिन कविता के प्रेत कहे जाते हैं। यानी ऐसा लगता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो कहा कि केशवदास ने कवि का कोमल हृदय नहीं था, वो कोमल हृदय के कवि नहीं थे, वो तो कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं, है ना। तो इस तरह इनके बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी हमने यहाँ दी है। तो आइए फिर हम इनका पाठ के समय सरस्वती वंदना दी हुई है, सरस्वती वंदना को हम यहाँ पढ़ते हैं, उसका भावा ग्रहण करते हैं। तो देखिए, वाणिज्य में रहने की उदारता बखा नहीं जाए, ध्यान से कि वाणिज्य गिरानी की उदारता बखा नहीं जाए, ऐसी मत कहो तुम उदार को मन को धरे। वाणिज्य गिरानी की उदारता बखा नहीं जाए, ऐसी मत कहो तुम उदार को मन को धरे। देव तप सिद्ध सिद्ध ऋषिराज तप वृद्ध, कहीं कहीं हारे सब कहीं ने कहीं नहीं, और भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशवदास के उन्हें बखा निकालते गई। और वर्णपति चार मुख पुत वर्ण पांच मुख नाते वर्ण शतमुख तदप नहीं, जे छत पढ़ने का तरीका है। तो देखिए छंद पढ़ने का तरीका है, एक बार फिर पढ़ते हैं कि वाणिज्य गिराने की उदारता बखान जाए, ऐसी मति कहो तो उदार को भई। और देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप वृद्ध, कहीं कहीं हार सही कहीं 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 हार सब कहीं ने क्यों नहीं। और भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशवदास के उन्हें बखान का पे गई। और वर्णपति और वर्णपति चार मत पुत वर्ण पांच मत और नाति वर्ण सतमुख तद पर नहीं नहीं। सरस्वती की महान उपलब्धियों को, सरस्वती की महानता को यहाँ बताया गया है कि माँ शारदे सबको उद्धार करने वाली है और उनका बखान यानी तीनों लोगों में कोई नहीं कर पाया है, ठीक है ना। तो ये भाव इस छंद में देखिए कि वाणी जगरानी, वाणी का आय सरस्वती, सरस्वती को वाणी कहा कि माता सरस्वती जगत की कल्याणी, जगत की स्वामिनी की उदारता बखानी जाए, कि उदारता का बखान करने वाले जो माँ सरस्वती जगत स्वामी माँ सरस्वती की उदारता का बखान करने वाले ऐसी मति, इस प्रकार की बुद्धि बताओ दो, जो उदार करने वाली यानी इस प्रकार की मति जो माँ सरस्वती का उदार यानी बखान के उदार का बखान कर सकती किसकी है। फिर देखिए कि वाणिज्य गिरानी की उदारता बखानी जाए, माँ सरस्वती जगत स्वामिनी की उदारता के बखान, उदारता का बखान कौन है जो कर सके, ऐसी मति ऐसी बुद्धि कहो तो उदार, ऐसी मति किसके जो उदार सरस्वती की उदार महिमा का बखान कर सकती है, कौन है जो इस पर, कोई नहीं है,
यानी उनके उदारता का बखान इस संसार में कोई नहीं कर सकता। उसके बाद कि देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तप वृद्ध देवता लोग प्रसिद्ध सिद्ध जो महान सिद्ध सिद्ध ऋषिराज अनेक ऋषि तप वृद्ध जो तपधारी हैं सब ने उनका उनकी महिमा का बखान का किया उदारता उनके उदारता का बखान किया। कहीं कहीं हारे सब हार गए कहीं नहीं कोई ले लेकिन कोई भी उनका सच्चा वर्णन नहीं कर सका। कहने का मतलब है देवता देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि बड़े बड़े ऋषि जो भी मुनि तपधारी बार बार उसका वर्णन करके यानी बार बार वर्णन कर करके हार गए लेकिन कोई भी उनका सच्चा वर्णन नहीं कर पाया पूर्ण वर्णन नहीं कर पाया। अब देखिए भावी भूत वर्तमान है ना यानी भविष्य भूतकाल और वर्तमान में जगत बखानत है जो मां शारदे को मां शारदे की महिमा उसकी उदारता के बखान भविष्य में भूत में वर्तमान में संसार में जो बखानता है केशवदास के बखाने के आगे केशवदास कहते हैं कि कौन भविष्य में भूतकाल में वर्तमान काल में भविष्य काल में ऐसा कोई भी नहीं जो मसारदा के उदारता का बखान कर सके जो मसारदा के वर्णन कर सके मसारदा की महिमा का गान कर सके ऐसा तीनों कालों में कोई नहीं हुआ। अब देखिए वर्णपति वर्णन नहीं उनका वर्णन पति उनके पति चार मुख कौन है ब्रह्मा चार मुख ब्रह्मा उनका वर्णन उनके पति चार मुख क्या ब्रह्मा जी पुत्र उनके पुत्र पांच मुख शिव जी पांच मुख कहते हैं शिव जी को शिव उनके पुत्र पांच मुख यानी उनका वर्णन उनके पति चार मुख से ब्रह्मा जी चार मुख से उनका वर्णन करते हैं अपने चार मुख से उनके पुत्र शिव जी पांच मुख से उनका वर्णन करते हैं। नातिवान दोनों के जो नाती हैं सतमुख कार्तिके जो कार्तिके हैं उनके जो पुत्र सतमुख छह मुखों से उनका वर्णन करते हैं तदित नहीं लेकिन फिर भी वो नई की नई वर्णन लगता है वो नई नई तरीके से करते हैं फिर वो हर बार नया लगता है। कहने का मतलब है उनकी उनका वर्णन उनके पति चार भुजाओं चार मुखों से ब्रह्मा जी चार मुखों से वर्णन करते हैं उनके पुत्र पांच मुखों से शिव जी वर्णन उनके महिमा का बखान करते हैं। नाती वर्णन छह मुखों से उनके नाती कार्तिक जो उनका महिमा का उनको उदारता का बखान करते हैं लेकिन हर बार उन्होंने ही प्रतीक है तो मां शारदे का वर्णन कौन कर सकता है मां शारदे की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है ये अवर्णित है। ठीक है तो प्यारे विद्यार्थियों अब आपके समझ में आगे होगा कि सरस्वती की वंदना शास्त्र द्वारा लिखित है और इसके द्वारा केशवदास ने जो लिखा है फिर एक बात पढ़ते हैं कि बानी जब रानी की उदारता बखान जाए ऐसी मंदिर का हो तो उदार क्यों हो गए देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तप वृद्ध कहीं कहीं हार सब कहीं क्यों नहीं और भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है केशवदास के उन्हें बखाने का हो गई और वर्णे पति चार भूत वर्णे पांच मुख और नाते वर्णे शब्द मुख तद पर नहीं नहीं तो हर बार कि सरस्वती जगत स्वामी सरस्वती की उदारता का बखान करने वाला करने वाले ऐसी मति जो उनकी उदारता का बखान कर सकता है कौन है इस संसार में कोई नहीं है। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि मुनि और तप व्रत तपधारी बार बार उनकी महिमा का बखान कर करके सब हार गए कहीं ने क्यों नहीं लेकिन कहीं ने किसी प्रकार
पकान नहीं कर सका पर भावी भूत वर्तमान जगत पकान है। ये संसार मां सारदे को भूतकाल में वर्तकाल में भविष्य काल में तीनों काल में उनकी महिमा का वर्णन करता आया है, उनके महिमा को पकान करता आया है। लेकिन किसदास जी कहते हैं केवल बताने का उपाय है, लेकिन मां सारदे की महिमा का मंडन उनकी उदारता का बखान कोई भी आज तक सच्चे मन से नहीं कर पाया है। वर्णपति उनका उनकी महिमा का वर्णन वर्णपति यानी उनकी महिमा का वर्णन उनके पति ब्रह्मा जी अपने चार मुखों से करते हैं, पुत्र शिव जी अपने पांच मुखों से उनकी महिमा का वर्णन करते हैं, भाव नाती वर्णी उनके नाती कार्तिकेय जी जो अपने छह मुखों से उनका वर्णन करते हैं। तद्वत नहीं लेकिन फिर भी हर बार